एपिसोड 10 में हमने देखा था यूनियन उन सबको बताता है कि हेवन स्टार सेक्ट में 10 होल हैं। 9 होल का काम होता है डिसाइपल्स को ट्रेनिंग देने का और 1 होल का काम होता है डिसाइपल्स को एडमिशन देने का। फिर यूनियन उन सारे डिसाइपल्स को सेक्ट घुमाने लगता है और सेक्ट घूमते समय उन सारे डिसाइपल्स कुछ डिसाइपल पढ़ती है जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यूनियन उन सबको बताता है ये सारे डिसाइपल्स हवा के अंदर से पानी को निकाल कर उसे जमाने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये सुनकर ली भी उस ट्रेनिंग को करने लगता है और ली एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ खड़ा कर देता है। इस जानकोंग ली को बताता है कि उसके पास एंशिएंट डिवाइन बॉडी है जिसकी मदद से उसकी बॉडी के अंदर 1 से ज्यादा मास्टर सोल रह सकती हैं। जेंगुन ली के पास आता है और वो ली को अपने मास्टर से मिलवाने के लिए ले जाता है अब आगे। और फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो चलते चलते एक जगह पर आ जाते हैं। उस जगह को देखकर ली कहता है सीन नंबर आखिर हमें जाना कहाँ है, अब तो रास्ता भी खत्म हो गया, आखिर आपके मास्टर हैं कहाँ। ये सुनकर जेंगुन कहता है तुम्हें पता है कि मेरी फैमिली केवल स्पेशल मास्टर सोल के लिए नहीं जानी जाती है, मेरी फैमिली एक और चीज के लिए जानी जाती है, वो है टैलेंटेड डिसाइपल्स। मेरी फैमिली में सबसे ज्यादा टैलेंटेड डिसाइपल्स हैं, लेकिन मेरे केस में ये बिल्कुल उल्टा है। मेरे पास ना अच्छी फाइटिंग स्किल्स है और ना अच्छा मैजिक। ये सुनकर ली कहता है तो सीनियर ब्रदर आप किस चीज़ में अच्छे हैं। ये सुनकर जेंगुन कहता है मैं, और वो उसे काफी घूर कर देखता है और वो एकदम से ली पर हमला कर देता है और उससे कहता है मैं इस चीज में अच्छा हूँ, लेकिन ली उसके हमले से बच जाता है। ये देखकर जेंगुन लगातार ली पर हमला करने लगता है, लेकिन ली अपनी स्पीड की मदद से उसके सारे हमलों से बच रहा होता है। ये देखकर जेंगुन कहता है आखिर तुम्हें स्पीड के बारे में किसने सिखाया। ये सुनकर ली कहता है मुझे स्पीड के बारे में मेरे लंगड़े ग्रैंपा ने बताया है। ये सुनकर जेंगुन कहता है क्या कहा तुमने एक अपंग, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो, भला एक लंगड़ा इंसान किसी को स्पीड के बारे में क्या सिखा सकता है। वो जरा क्या मुझे इस बारे में तुम बताओगे कि तुमने जूने बदर जून पर किस टेक्निक का इस्तेमाल किया था जिससे तुमने उसे हरा दिया। ये सुनकर ली कहता है मैं असल में काफी ज्यादा वीक हूँ और मैंने उस समय जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया था वो टेक्निक मुझे अभी अच्छे से आती नहीं है। ये सुनकर जेंगुन अपने मन में कहता है आखिर ये खुद को समझता क्या है, ये मेरे सारे हमलों से इतनी आसानी से बच रहा है और ये कह रहा है कि ये वीक है, क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। फिर जेंगुन एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और काफी सारी एनर्जी से बनी हुई पाम से ली पर हमला कर देता है। ये देखकर ली अपने मन में कहता है लगता है मैं इससे बच नहीं पाऊंगा, और ये सोचने के बाद ली अपनी पाम को सामने कर देता है और एक काफी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे ली के सामने एक गोल्डन पाम आ जाती है जो जेंगुन की सारी पाम को डिस्ट्रॉय कर देती है और ली की गोल्डन पाम सीधा जेंगुन की तरफ बढ़ जाती है और सीधा जाकर जेंगुन से टकराती है जिससे वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। ये देखकर ली अपने मन में कहता है अरे नहीं, मैंने गलती से अपनी भैरी दादी की सिखाई गई टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, सीनियर ब्रदर को कुछ होना जाए। फिर हमें उस धमाके के बाद दिखाया जाता है जेंगुन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है, उसके कपड़े जगह जगह से फट गए होते हैं और वो कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तुमने मुझसे किस तरह की पाम से हमला किया था, उसे क्या कहते हैं। ये सुनकर ली उससे कहता है ये कोई पाम नहीं है बल्कि ये टेक्निक है जो कि मेरी भैरी दादी ने मुझे सिखाई थी, और ये टेक्निक उन्होंने मुझे तब सिखाई थी जब मैं एक छोटा सा बच्चा था और मैं लगभग इसके बारे में भूल ही गया था, लेकिन आपसे फाइट करते समय अचानक से मुझे हड़बड़ी में ये टेक्निक याद आ गई और मैंने इसका इस्तेमाल कर दिया। ये सुनकर जेंगुन अपने मन में कहता है एक लंगड़ा आदमी जो कि इसे स्पीड के बारे में सिखाता है और एक भैरी दादी जो कि मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है जो किसी को मार्शल आर्ट सिखा भी सकती है, आखिर ये मुझे समझता क्या है, इसे क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ जो ये मेरे से ऐसी बातें कर रहा है। ये सोचने के बाद जेंगुन उससे कहता है मुझे माफ करना जूनियर ब्रदर ली क्विंग, मैं बस तुम्हारी पावर और स्किल को टेस्ट कर रहा था, मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था, मैं कोई बुरा इंसान नहीं इसलिए मुझे माफ कर देना, और मैं तुम्हारी पावर देख के सच में काफी ज्यादा हैरान हो गया हूँ, तुम इस समय स्टार लेवल के स्टेज 5 या 6 पर हो गए लेकिन तुम्हारी पावर इससे कहीं ज्यादा है, तुमने अभी मुझ पर जो हमला किया था वो काफी ज्यादा पावर भूलता और वो कोई मेटल एलिमेंट की टेक्निक भी नहीं है, फिर भी तुमने उसका इतने अच्छे से इस्तेमाल किया। ये सुनकर ली कहता है असल में सच कहूँ तो मैंने अपनी मेटल एलिमेंट की मास्टर सोल को कुछ महीने पहले ही अभिकन किया है, इससे पहले तो मुझे मास्टर सोल और टेक्निक के बारे में कुछ पता भी नहीं था। ये सुनकर जेंगुन कहता है लेकिन अभी तुमने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया था वो टेक्निक एक इंसान की टेक्निक से काफी हद तक मिलती जुलती है, और मैं जिस टेक्निक के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है पुलिंग क्लाउड पाम, और ये टेक्निक है मून इशंग जो कि हमारी कॉन्टिनेंट की फर्स्ट एम्प्रेस थी जो कि सबसे पहले स्टार स्काई लेवल में गई थी, उन्होंने बनाई थी, लेकिन कहानियों के हिसाब से जितना मैंने सुना है हमारी एम्प्रेस मून इशंग काफी ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो एक दादी तो नहीं हो सकती है। ये सुनकर ली कहता है सीनियर ब्रदर आखिर आपको इस सब के बारे में इतना सब कैसे पता है। ये सुनकर जेंगुन ली को अपनी एक नाइफ टेक्निक दिखाते हुए उससे कहता है तुम्हें पता है कि मैंने अभी किस टेक्निक का इस्तेमाल किया था, इसका नाम है ब्लेड प्लमिंग टेक्निक, और ये 10 सबसे पावरफुल टेक्निक में से एक टेक्निक है, और एक और टेक्निक है रेन ऑफ द ब्लडी नाइफ, और ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है जो कि नाइफ मास्टर की टेक्निक है। और तुम सोच रहे हो कि मैं नाइफ मास्टर के बारे में इतना सब कैसे जानता हूँ, तो मैं तुम्हें बता दूं नाइफ मास्टर मेरे अडॉप्टिव फादर हैं, लेकिन इस समय मुझे कोई
कोई आइडिया नहीं कि वो कहाँ पर हैं। फिर अचानक से एल्डर लिंगियन वहाँ पर आ जाते हैं, जो हंसते हुए कहते हैं, टर्निंग क्लाउड के लिए सच में सम्मान की बात है कि तुम्हारे जैसे दो पावरफुल डिसाइपल्स उसके अंदर हैं। एल्डर को वहाँ पर देख कर वो दोनों उन्हें ग्रीट करते हैं। फिर एल्डर ली के पास आकर कहते हैं, ली क्विंग, मैंने वो सब देखा जो हॉल में हुआ और मैं तुमसे काफी ज्यादा खुश हूँ। तुम्हारा टैलेंट सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम्हारे पास दो मास्टर सोल हैं, जो कि सबसे ज्यादा रेयर होता है। लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, इसलिए ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें इस बारे में बताऊँ। अगर तुम अपनी पावर को सभी के सामने ऐसे शो करते रहे तो ये पावर तुम्हारे लिए एक दिन मुश्किल बन जाएगी। ये सुनकर ली एल्डर से कहता है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस बारे में बताने के लिए। मैं आपकी कई बात को याद रखूंगा और फ्यूचर में मैं कभी भी किसी के सामने अपनी पावर को शो नहीं करूंगा। ये सुनकर एल्डर वहां से मुड़ के जाते हुए उन दोनों से कहते हैं, अच्छी बात है, अब तुम दोनों काफी ज्यादा थक गए होगे, इसलिए जाकर रेस्ट करो और मैं जा रहा हूँ हेवन स्टार सेक्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल में। फिर सीनशिप प्रोतारो में हेवन स्टार सेक्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल को दिखाया जाता है, जिसके अंदर लीडर और सारे एल्डर इकट्ठा हुए होते हैं। फिर सारे एल्डर लीडर को ग्रीट करते हैं। फिर हमें हेवन स्टार सेक्ट के लीडर को दिखाया जाता है, जिसने अपने आप को पर्दे से कवर कर रखा होता है पता नहीं क्यों, और वो कहता है, आज हम सारे के सारे यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हम इस बारे में डिस्कस कर सके कि हमें डिसाइपल्स को बेस्ट लेन में ट्रेनिंग करने के लिए भेजना है या नहीं। ये सुनकर एल्डर लिंगयून कहते हैं, लीडर आप ये क्या कह रहे हैं, क्या आप सच में डिसाइपल्स को बेस्ट लेन में ट्रेनिंग करने के लिए भेजना चाहते हैं? क्या आपको याद नहीं कि 6 साल पहले क्या हुआ था? ये सुनकर लीडर कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं बोला, मुझे सब याद है और जैसा कि तुमने कहा उस बात को 6 साल हो चुके हैं और हमने अपने सभी दुश्मनों को जान से मार दिया है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम सारे डिसाइपल्स को बेस्ट लेन में ट्रेनिंग करने के लिए नहीं भेजेंगे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कौन सा डिसाइपल आगे जाकर स्टार स्काई लेवल में पहुंच पाएगा। लीडर की बात सुनकर एक और एल्डर, जिसका नाम जीफेंग होता है, वो कहता है, आप कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं एल्डर लिंगयून, उस एक्सीडेंट को 6 साल बीत चुके हैं और अब तो हमने अपनी हार को भी जीत में बदल दिया है और अब हमारा हेवन स्टार सेक्ट इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल सेक्ट में से एक सेक्ट है। ये सुनकर एल्डर लिंगयून कहते हैं, लेकिन ये सुनकर एक और एल्डर, जिसका नाम चीरी होता है, वो कहता है, लेकिन कुछ नहीं, मैं एल्डर जीफेंग की बात से सहमत हूँ, हमें तो बहुत पहले इस बेस्ट लेन के टेस्ट को शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि अगर हम ऐसा जल्दी नहीं करेंगे तो बाकी सारे पावरफुल सेक्ट सोचेंगे कि हम उनसे डरते हैं। ये सुनकर लीडर कहते हैं, ठीक है, अगर सारे के सारे एल्डर इस बात से अग्री करते हैं तो हम जल्दी बेस्ट लेन के टेस्ट को वापस से शुरू करेंगे और हमने जैसा प्लान किया था हम सब कुछ प्लान के हिसाब से ही करेंगे। ये सुनकर सारे एल्डर कहते हैं, ठीक है लीडर, हम आपकी बात समझ गए। और हमें एल्डर लिंगयून को दिखाया जाता है, जिन्हें इस बात से अभी भी काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, हमें बेस्ट लेन के अंदर की जगह का सीन दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है एंशिएंट स्काई माउंटेन। उसके अंदर हेवन स्टार सेक्ट के सारे हॉल्स के डिसाइपल आए होते हैं, उसमें टर्निंग क्लाउड होल के डिसाइपल्स भी आए होते हैं, जिसमें ली और मोरोंग भी होते हैं। वो सारे डिसाइपल्स जंगल में आगे चलते हुए जा रहे होते हैं। उस जगह को देखते हुए ली कहता है, हमारी किस्मत सच में काफी ज्यादा खराब है, जैसे ही हमने इस सेक्ट में एडमिशन लिया सेक्ट ने तुरंत ही बेस्ट लेन के टेस्ट को वापस से शुरू कर दिया। ये सुनकर मोरोंग कहती है, एंडर्स ने मुझसे कहा था हम अभी जिस जगह पर हैं वो जगह काफी ज्यादा अजीब और मिस्टीरियस है, यहाँ पर काफी सारे वाइल्ड बीस्ट घूमते रहते हैं, इसलिए ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर ली कहता है, जूनियर असिस्टेंट मोरोंग, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं बेस्ट लैंड में ही पला बड़ा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के सारे खतरों का अंदाजा है, अगर आप पर कोई खतरा आता है तो मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर मू भी ली के पास आकर उसका हाथ पकड़कर काफी प्यार से उससे कहता है, सीनियर ब्रदर ली क्विंग, प्लीज मुझे भी प्रोटेक्ट करिएगा ना। और वो आगे कहता है, सीनियर ब्रदर ली क्विंग, शायद आपको पता नहीं है 6 साल पहले इस बेस्ट लैंड के टेस्ट को बंद करने का कारण क्या था। इस टेस्ट को बंद करने का कारण था कि सेट के अंदर का एक बंदा गद्दार बन गया था जो हमारे सेट को धोखा दे रहा था। ये सुनकर आता है और मुंह के सर पे एक जोरदार पंच मारता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है, मुंह, अगर तूने दोबारा से सेक्ट के बारे में ऐसी बकवासी अफवाह फैलाई तो तुझे पता ना सेक्ट तेरे साथ क्या करेगा, अगर तूने दोबारा से ऐसा किया तो सेक्ट तुझे काफी कड़ी सजा देगा। ये सुनकर मुंह रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो सीनियर ब्रदर फेंगुन। फिर जेंगुन सभी से चिल्लाते हुए कहता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, सभी लोग सतर्क रहना और अपने आसपास की हर मूवमेंट पर ध्यान देना, हम लोगों के पास जंगल से निकलने के लिए केवल 7 दिन है, इसलिए हमें 7 दिन के अंदर ही इस जंगल से बाहर निकलना होगा और हम किसी दूसरे होल से हार नहीं सकते हैं, सभी लोग मेरी बात समझ गए। ये सुनकर साइड सब पर चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ हम समझ गए। फिर जेंगिन को एल्डर लिंगयून की बात याद आती है, उन्होंने उससे कहा था, मैं चाहता हूँ कि इस टेस्ट के दौरान इस ग्रुप को तुम लीड करो, भले ही उस हादसे को 6 साल बीत गए हों लेकिन हम लोग लापरवाही नहीं बरत सकते हैं। ये बात याद आने के बाद जेंगिन अपने मन में कहता है, मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मेरे रहते 6 साल पहले जो हुआ था वो इस बार नहीं होगा,
और वैसे भी बहुत सारे लोग पहले बेस्टलैंड में मारे जा चुके हैं। क्रिश्चियन शिप अवतार में एक बंदे को दिखाया जाता है जो जंगल में बैठ के हवन कर रहा होता है। उसके पास एक रेड मंकी आता है और पता नहीं इसका नाम रेड मंकी क्यों है। वो उस बंदे से कहता है, मास्टर हेवन स्टार सेक्ट के सारे डिसाइपल्स एंशिएंट स्काई माउंटेन के अंदर आ चुके हैं। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है, उसने अपने चेहरे को कवर कर रखा होता है और वो स्टार स्टेज की लेवल 9 का मार्शल आर्टिस्ट होता है। वो कहता है 6 साल पूरे 6 साल बीत चुके हैं पॉइजन बीस्ट डीमन क्लेन को इंतजार करते हुए, लेकिन फाइनली हेवन स्टार सेक्ट के सारे डिसाइपल बेस्ट लैंड के अंदर आई गए और इस बार मैं ये इंश्योर करूंगा कि मैं हेवन स्टार सेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दूं। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। क्रिश्चियन शिप होता है और मैं ली और बाकी सबको दिखाया जाता है वो जंगल से बाहर आ गए होते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं, आखिरकार हम लोग फाइनली जंगल से बाहर आई गए, मुझे तो जंगल के अंदर काफी ज्यादा डर लग रहा था। मैं देखना चाहता हूँ कि हेवन स्टार सेक्ट का कौन सा होल है जो इस बार हारने वाला है। फिर उन्हीं सब डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल जेंगुन से कहता है, सीनियर ब्रदर फेंगुन हमें इसी जगह पर रुककर कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। फिर उन सब डिसाइपल्स में से एक फीमेल डिसाइपल जेंगुन से कहती है, सीनियर ब्रदर फेंगुन जरा सामने की तरफ देखिए वो लाइट कैसी है। ये सुनकर जेंगुन सामने की तरफ देखता है और हमें सामने से काफी सारी लाइटें आती हुई दिखाई देती हैं। वो लाइटें असल में वाइल्ड बीस्ट होते हैं और उनका नाम होता है आइस क्रिस्टल बीस्ट। उन बीस्टों को देखकर जेंगुन चिल्लाते हुए कहता है, अरे नहीं ये तो आइस क्रिस्टल बीस्ट हैं, आखिर ये यहाँ पर कहाँ से आ गए और ये झुंड बनाकर हम लोगों पर हमला क्यों कर रहे हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।